यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव भोगपुर फार्म में, जहां विगत 17 अगस्त को दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें मां बेटी की हत्या हुई थी। मां का नाम जीत कौर, वाइफ ऑफ दयाल सिंह, उम्र 60 वर्ष, उसकी पुत्री परमजीत कौर 30 वर्ष शामिल थीं। उन हत्या के समय परमजीत कौर की पुत्री करीब 8 वर्षीय नैना उनके साथ भोगपुर फार्म से बढ़ियों वाला जा रही थी, तो नैना हत्या की चश्मदीद गवाह बताई जा रही है। हत्या के समय ये बच्ची किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग आई थी और इसी ने घर पर आकर घटना की सूचना दी थी। इस घटना को हुए करीब 1 सप्ताह बीत चुका है, अभी भी परिवार में मातम छाया हुआ है। रिश्तेदार लगातार आ रहे हैं और उनकी हत्या पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मृतका जीत कौर का घर है, जहां मेहमान एकत्रित हैं। उल्लेखनीय है कि इस दोहरे हत्याकांड से दो परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनमें मृतका जीत कौर के पुत्र कुलवंत सिंह के 3 बच्चे अभिजोत, चरणजीत कौर और अमृत शामिल हैं। इसके अलावा जीत कौर की पुत्री मृतका परमजीत कौर के 3 बच्चे शामिल हैं, जो अनाथ हुए हैं। इन बच्चों के नाम हैं विजय, हरमन कौर व नैना कौर। नैना कौर घटना के समय उनके साथ पैदल गांव भोगपुर फार्म से पास के गांव बढ़ियों वाला की ओर जा रही थी। आरोपियों ने जब जीत कौर व परमजीत कौर की हत्या की, उस समय ये बच्ची मौके से किसी तरह बचकर भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही और घर पर आकर इसी ने घटना की सूचना दी। तो ये घटना मृतकाओं के घर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर घटी। तो अब मेरे सामने वो बच्चे हैं जो इस घटना से अनाथ हो गए। ये बच्चे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये अनाथ हो चुके हैं। देख सकते हैं आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन पर जो भी व्यक्ति घटना पर दुख व्यक्त करने आ रहा है, उन सबको इन पर तरस आ रहा है। इनके पालन पोषण की चिंता है, इनका पालन पोषण
कैसे होगा, लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ये नैना कौन सी है बच्ची? ये बच्ची, ये देखिए, ये नैना है जिसके सामने ये घटना घटी। ये मासूम बच्ची है। अब मुख्य बात यह है कि मृतका जीत कौर की दत्तक पुत्री, क्या नाम बेटा तुम्हारा? बलविंदर कौर है, कुलविंदर कौर है, बलविंदर कौर। ये बलविंदर कौर है, तो इसकी शादी करीब 2 वर्ष पूर्व पास के गांव टांडा प्रभापुर में हुई थी, लेकिन वहां से विवाद के चलते इसका तलाक हो चुका है और ये तब से अपनी माँ जीत कौर के घर पर ही रह रही है। इसकी शादी अब दूसरी जगह होने जा रही है। शुक्रवार 27 अगस्त को इसकी शादी किसी दूसरी जगह होगी। इस घटना के बाद, क्योंकि शादी पहले से तय हुई थी, इसलिए उसको रिश्तेदारों ने टालना उचित नहीं समझा और शुक्रवार को काशीपुर के गुरुद्वारे में इसकी शादी किए जाने का कार्यक्रम है। अभी रिश्तेदारों से बातचीत करने पर पता चला कि सबकी सहमति से इसकी शादी ने टालने का निर्णय लिया गया। तो अब मेरे सामने मृतका जीत कौर के एक परिवार के सज्जन मेरे सामने हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ घटना के संबंध में। क्या शुभ नाम है आपका? जरनैल सिंह। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले? टांडा प्रभापुर के। अच्छा, तो ये मृतका जीत कौर, ये आपकी क्या लगती थी? ये चाची थी हमारी। अच्छा, चाची लगती थी आपकी। अच्छा, तो अब जो ये बच्चे अनाथ हुए हैं, मृतका जीत कौर के जो पोती पोते हैं, तो उनके पालन पोषण के लिए आप लोग ये कदम उठा रहे हैं कोई? हाँ, वो करना ही पड़ेगा, रिश्तेदार मिल के जैसे भी हो अब। अच्छा, तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं अभी कहीं? अभी तो स्कूल भी आए, मेरे का खोल गए तो स्कूल नहीं, अरे अभी स्कूल ही। अच्छा, स्कूल नहीं खुले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, छोटे हैं ना अभी, छोटे हैं। तो ये जो बच्चे जीत कौर के जो पोती पोते हैं, जो अनाथ हुए हैं, तो इनके पिता की भी बता रहे हैं कि मौत हो चुकी है पहले, उनकी मौत हो चुकी है। अच्छा, कब हुई उनकी मृत्यु? दो साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? वो भी इन्होंने मारपीट करी थी। अच्छा, इन्हीं लोगों ने मारपीट करी, जो आरोपी हैं इन्होंने मार। अच्छा, तो इनके फैमिली वाले सभी लोग आए थे मारने के लिए। अच्छा, तो फिर उसकी मौत हो गई। तो चलिए, देखिए इनके परिवार के व्यक्ति हैं ये, तो इन्होंने बताया घटना के संबंध में। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई है 17 तारीख को, तो ये कितने बजे घटना है करीब? ये 8-1 बजे की होगी सुबह, 8 बजे की, जब थोड़ा ऊपर हो नीचे किसी ने टाइम तो देखा नहीं हमने। अच्छा, तो ये लोग उस समय कहाँ जा रहे थे? ये तो जसपुर जा रही थी, तो ये नहर पे ही जसपुर जा रही थी, बढ़िया वाले के पीछे थी। अभी इनका लिंटर पड़ रहा था सर, ये तो लिंटर का सामान तो बंद देने जा रहे थे। अच्छा, तो लिंटर रसोई का पड़ना था ना। तो ये मेरे सामने ये मृतका की एक और रिश्तेदार हैं, तो आपका क्या शुभ नाम है? सुरजीत कौर। तो आप की क्या लगती थी ये जो जीत कौर? हमारी बहन थी सर। बहन थी जी।
अच्छा, तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम तो हरियाणा में रहते हैं सर। तो हरियाणा, तो घटना की सूचना मिलने पर आप यहाँ पहुँचे हैं? घटना की सूचना मिली तब आए। अच्छा, तो ये जो इसके बच्चे हैं कुलवंत सिंह के, यानी कि मृतका के जो पोती पोते हैं जी, तो ये इन्हीं के पास रहते थे? जी, इन्हीं के पास रहते थे। अच्छा, दादी पाल रही थी। पहले लड़का पूरा होने पे, खत्म होने पे, तो उनकी बहू छोड़ के चली गई। तो बहू जो चली गई तो उसके बाद में यही हमारी। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इनके, जीत कौर के पोती पोते, तो इनकी माँ भी चली गई थी छोड़कर? जी, जी, वो छोड़ के चली गई। वो कहाँ की थी? वो इसकी थी रामपुरा की। रामपुरा की जी। अच्छा, जब वो जब ये कुलवंत की मौत हो गई थी तो इन बच्चों को छोड़ गई, छोटे छोटे चली गई जी। तो ये हमारी बहन ही पाल रही थी। अच्छा, इनको दादी पाल रही थी। पाल रही थी। तो देखिए, इन बच्चों का साया जो है, ये दादी पाल रही थी, वह भी उठ गया है और ये अनाथ हो गए हैं। अब भगवान इनका मालिक है। तो ये जो मृतका परमजीत कौर थी, उसका घर किधर है? पड़ोस में ही है उसका घर भी? तो ये मृतका परमजीत कौर का घर भी उसकी माँ के पड़ोस में ही है। ये सामने दिख रहा है, देखिए। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, मृतका जीत कौर की पुत्री परमजीत कौर का घर है। यह है, इसकी शादी कहाँ हुई थी? शादी इसकी थापा नंगला बाजपुर में हुई थी। तो ये पति से विवाद के चलते ये अपने मायके में रह रही थी। यहीं कितने साल से रह रही थी? यहाँ 8-10 साल से ये यहीं अपनी माँ के पड़ोस में अलग घर बना कर रह रही थी। देख सकते हैं, तो इसके परमजीत कौर के बच्चे, 3 बच्चे इसी के साथ रह रहे थे, उनका पालन पोषण कर रही थी। तो अब ये इसके 3 बच्चे भी अनाथ हो चुके हैं। ये कौन कौन से बच्चे हैं उसके? तो देखिए, ये परमजीत कौर के 3 बच्चे हैं। देखिए, अब ये बिल्कुल अनाथ हैं। इनकी माँ की भी हत्या हो गई है, पिता इनका, इनको छोड़ रखा है पिता ने। तो देखिए, अब ये देख सकते हैं आप, जब से जीत कौर की हत्या हुई है तब से इनके घर में ताला पड़ा हुआ है। ये बच्चे ये अपनी नानी जीत कौर के, मृतका जीत कौर के परिवार में ही रह रहे हैं। वहीं मेहमान लोग इनकी देख रेख कर रहे हैं। भविष्य में इनकी देख रेख कौन करेगा, कहाँ पलेंगे, कहाँ इनकी परवरिश होगी, अभी कोई पता नहीं है। इनका भगवान ही मालिक है। तो आप कहाँ से आए? हरियाणा से आए हैं। क्षेत्र जिले से? हरियाणा से। अच्छा, तो आपको घटना की सूचना मिली होगी तब आए होंगे? तभी आए। क्या सब नाम आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, तो ये आपके क्या लगती थी जो मृतका जीत कौर? जीत कौर मेरी साली लगती थी बड़ी। अच्छा, ये साली थी आपकी? अच्छा। तो देखिए, एक सज्जन और मेरे पास हैं, इनके रिश्तेदार, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं। आपका क्या शुभ नाम है? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह, तो आप कहाँ से आए? गदरपुर से। गदरपुर से। अच्छा, तो आप भी इस घटना की सूचना मिलने पर यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी सर। तो देखिए, रिश्तेदार लगातार आ रहे हैं, घटना पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें
मुख्य बात यह है इस घटना में कि जीत कौर उसकी पत्नी परमजीत कौर दोनों की हत्या की चश्मदीद गवाह है छोटी बच्ची नैना। अब नैना की सुरक्षा की चिंता लोगों में है, परिवार और रिश्तेदार में उसकी चिंता है क्योंकि वो घटना की चश्मदीद गवाह है। तो उनके रिश्तेदारों का कहना है कि इस बच्ची को जो है सुरक्षित रखा जाएगा ताकि गवाही समाप्त करने के लिए कहीं उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना न हो जाए। तो इनके बच्चों के लिए क्षेत्र के कुछ लोग यहाँ पहुँचे मदद के लिए बच्चों की, आए विधायक ही आए जी और बाकी और भी आए होने, मैं तो नहीं मिला नहीं इनको बताओ। अच्छा जी, तो कौन कौन आए थे यहाँ जो लोग यहाँ से आसपास के लोग? दो विधायक आए थे। अच्छा अच्छा, मदद के लिए तो आप भी इनके रिश्तेदार हैं? हाँ जी। ये आप लगती थी, ये मेरी मौसी थी। अच्छा, ये तुम्हारी मौसी थी। तो आपका घर कहाँ है, कहाँ? पंजाब से आए। अच्छा, पंजाब से आई हो आप। अच्छा अच्छा, तो देखिए इसमें इन लोगों ने इन लोगों से और पूछते हैं। तो ये जो मृतका ये परमजीत कौर है, तो इसका जो पति है तो वो आया घटना के बाद? नहीं जी, नहीं आया। ये परमजीत कौर का पति नहीं आया? नहीं आया। तो देखिए इसकी हत्या की खबर मिलने के बाद भी परमजीत कौर का पति आज तक यहाँ नहीं आया है। छोटे छोटे बच्चों को, बच्चों का भी मोह उसे नहीं सता रहा है और बच्चे अपनी माँ की मौत के बाद यहाँ अकेले रह रहे हैं रिश्तेदारों के साथ, लेकिन उसका दिल इस बच्चों के लिए भी नहीं पिघल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इस घटना की पूरी जानकारी लेने पर ऐसा लगता है कि ये जो घटना है ये प्री प्लानिंग है और इसमें रिश्तेदारों का ही हाथ है। तो देखिए ये घोर कलयुग है, इसमें लोग रिश्तों का ही खून करने में लगे हुए हैं। जीत कौर में उसकी पुत्री परमजीत कौर की हत्या में गैर नहीं बल्कि उनके रिश्तेदारों पर ही आरोप लग रहा है। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।